Assalamualaikum friends, this is me Fatma Afzal. Welcome to my channel. उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे और सेफ होंगे अपनी अपनी फैमिलीज के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ग्रीन टी फेशियल। जी हाँ, ग्रीन टी से करेंगे हम फुल फेशियल। इसे आप समर स्पेशल फेशियल भी कह सकते हैं। समर स्पेशल फेशियल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ग्रीन टी के बेनिफिट्स आप लोगों को पता है कि बहुत 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 ज्यादा है। बेस्ट बेनिफिट ये है कि ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रा वायलेट रेस से, तो समर के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जिनकी ऑयली स्किन होती है ये उसे कंट्रोल करता है, एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है उसको कंट्रोल करता है। सो ऑयली स्किन जो है वो जिनकी नहीं भी होती उनकी भी समर्स में हो जाती है, सो ये भी एक प्लस पॉइंट है। उसके अलावा इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये एजिंग को स्लो डाउन करता है, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एक्नी को रिड्यूस करती हैं, एक्नी मार्क्स को रिड्यूस करती हैं, स्कार्स को रिड्यूस करती हैं। उसके साथ साथ जो है ये स्किन को हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करते हैं, ग्लो प्रोवाइड करता है, ब्राइटन अप करता है ये स्किन। उसके साथ साथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे आप लोग जो है ये ग्रीन टी पिया भी करें। जो लोग ग्रीन टी नहीं पसंद करते, जिनको बिल्कुल इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, वो कौन सी वाली ग्रीन टी यूज करें ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। उसके अलावा इस फेशियल के कितने स्टेप्स होंगे और कौन से स्टेप्स जो है वो आप लोग डेली बेसिस पे कर सकते हैं, कौन से आप लोग जो है वीक में ट्वाइस और थ्राइस कर सकते हैं, और या फिर कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको आफ्टर 2 वीक्स करने हैं, तो ये सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे। उससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। तो चले चलते हैं। जी तो फ्रेंड्स, इस फेशियल के टोटल 5 स्टेप्स हैं, लेकिन उन 5 स्टेप्स को स्टार्ट करने से पहले हमें किचन में जाना पड़ेगा कुछ प्रिपरेशन करने के लिए, तो चले चलते हैं किचन में। अच्छा जी, किचन में ज्यादा ही आप लोगों ने क्या करना है, स्टोव ऑन कर देनी है और आप लोगों ने पैन में जो है ऐड कर देने हैं 2 कप्स डिस्टिल्ड वाटर ऐड करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 कप्स ऐड कर रही हूँ, आप 1 कप ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों ने पीनी नहीं है। 1 कप मैंने पीना है और 1 कप जो है मैंने उससे सारा का सारा प्रोसेस करना है। तो आप लोगों ने करना कुछ इस तरह से है कि डिस्टिल वाटर ही ऐड करना है, टैप वाटर ऐड नहीं करना। इसको आप लोगों ने बॉयल आने देना है, जब इसको अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोगों ने इसके अंदर टी बैग ऐड कर देना है। अगर 1 कप ले रहे हैं तो 1 टी बैग ऐड कर दें आप लोग इसके अंदर। ठीक है, और आप लोगों ने फ्लेम कर देनी है ऑफ, फ्लेम ऑन नहीं रहने देनी, फ्लेम ऑफ कर देनी है। और उसके बाद आप लोगों ने इसको जो है छोड़ देना है कवर करके 1 आवर के लिए। 1 आवर के बाद ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और सारा असर इसके अंदर आ जाएगा, फिर आप लोगों ने फर्दर इसके साथ प्रोसेस करना है। जी तो फ्रेंड्स, 1 घंटा गुजर चुका है, अब आप लोगों ने क्या करना है, जो पीने वाला 1 कप होगा वो आप लोगों ने निकाल लेना है और 1 कप आप लोगों ने रहने देना है। उसके अंदर आप लोगों ने टी बैग को अच्छे से स्क्वीज आउट करके निकाल लेना है, और टी बैग जो होंगे वो इस तरह से किसी भी चीज में आप लोग रख लें। और जो आप लोगों की ग्रीन टी होगी इस तरह से, ये मैंने ये डाल ली है 1 ग्लास में, और इनको मैं रख दूंगी फ्रिज में। ये जो टी बैग्स हैं ये मैं जब तक पूरा फेशियल होगा तब तक रखूंगी, और ये जो है ग्रीन टी वाला कप इसको मैं सिर्फ 5 मिनट्स के लिए रखूंगी। 5 मिनट्स के बाद हम लोग इसको निकालेंगे और निकाल के जो है अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जी तो यहाँ पे 5 मिनट्स हो चुके हैं, अब मैं इसको निकाल लूंगी और अब हम चलते हैं अपने फेशियल की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। जी तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप हमारा क्लींजिंग का है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, जो हम लोगों ने बना के फ्रिज में रखी थी इसके आप लोगों ने अच्छे से मिक्स करके 2 टेबलस्पून ऐड करने हैं। ये टपाल की ग्रीन टी है लेमन फ्लेवर में। अगर आप लोगों को कोई भी अभी तक ग्रीन टी पसंद नहीं आई है, टेस्ट अच्छा नहीं लगता मेरी तरह, तो आप लोग ये वाली ट्राई करें, ये वाली जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, पसंद आएगी आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देना है 1/2 टेबल स्पून हनी का। ठीक है, और फिर इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। ये क्या करेगा, आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट करेगा, स्मूथ करेगा और बहुत अच्छे से क्लींस करेगा। आप लोगों ने किसी भी फेस वॉश से अपने फेस को वॉश करना है, देन आप लोगों ने कॉटन बॉल की हेल्प से या फिर सिंपल हाथ की मदद से आप लोगों ने जो है अपने फेस पे क्लींजिंग करनी है 5 मिनट्स सर्कुलर मोशन में अपर डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छे से 5 मिनट्स आप लोगों ने क्लींजिंग करनी है अपने फेस पे, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने फेस को सिंपल प्लेन वाटर से कर देना है वॉश। तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की स्किन कितनी अच्छी हो जाएगी, ये आप लोग जो है डेली भी कर सकते हैं। हमारा सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग का, तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए एलोवेरा जेल 1 टेबल स्पून। मैं यहाँ पे फ्रेश ले रही हूँ, आप लोग चाहे तो मार्केट वाली ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि फ्रेश ऐड करें क्योंकि सारा जो प्रोसेस है वो नेचुरल चीज़ों का है।
तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग जो है ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें या इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लें। इसको बहुत आराम से ही एक्सट्रैक्ट हो जाता है, इस तरह से इसका जो जेल है वो निकल आता है। तो ये मैंने देखिए इसकी जेल जो है निकाल ली है। 1 टेबल स्पून इसको आपने अच्छे से फिर मिक्स कर लेना है। उसके बाद में आप लोगों ने इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के जो है शुगर के ऐड कर देने हैं। देन आप लोगों ने इसके अंदर आलमंड ऑयल ऐड करना है। अच्छा, आप लोगों की मर्जी है, आप कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी स्किन पे, फेस पे स्पेशली जो है कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता। इतनी ब्राउन स्किन पे जो है कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता, आलमंड ऑयल सूट करता है। तो आप लोगों ने ये जो है 1 टी स्पून ऐड कर देना है। और उसके बाद आप लोगों ने जो है इसके अंदर हनी ऐड कर देना है 1/2 टेबल स्पून। देन आप लोगों ने क्या करना है, एक टी बैग लेना है, इस तरह से उसे ओपन करना है और उसके लीव्स जो है वो डायरेक्टली इसके अंदर ऐड कर देने हैं ड्राई फॉर्म में। उसके बाद आप लोगों ने एवियन का कैप्सूल लेना है, विटामिन ई का कैप्सूल, ये जो है आप लोग 1 ऐड कर दें। और उसके बाद जो है टी ट्री ऑयल के मैंने यहाँ पे 6 ड्रॉप्स ऐड किए हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहें तो करें, अदरवाइज आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस अच्छा होता है, ग्लो प्रोवाइड करता है और उसके अलावा एक्ने के लिए भी अच्छा होता है। तो ये आप लोगों ने सर्कुलर मोशन में अपर डायरेक्शन में मसाज करना है 5 मिनट्स के लिए। देना आप लोगों ने सिंपल प्लेन वाटर से इसको कर देना है वॉश, और बहुत बहुत इसके मजे के रिजल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे, इंस्टेंट ग्लो आएगा आपके। देन थर्ड स्टेप जो है वो है टोनिंग का। तो टोनर जो है वो किस तरह से बनाना है, आप लोगों ने कोई भी जो भी आप लोगों के पास बॉटल होगी 1/4 जो है वो फिल कर लेनी है रोज वाटर से, ठीक है। 1/4 आप लोगों ने रोज वाटर ऐड करना है उसके अंदर। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, बाकी की जो है वो ग्रीन टी ऐड कर देनी है, सारी बॉटल फिल कर लेनी है बाकी की ग्रीन टी से। देन आप लोगों ने इसको जो है फ्रिज में रख देना है, और आप लोगों ने जब भी इसे यूज करना है शेक करने के बाद अच्छे से। ये टोनर आप लोग 2-3 टाइम्स अ डे अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे। आप लोगों ने क्या करना है, जब भी फेस को वॉश करना है या जब भी आप फ्रिज के पास से गुजरे तो आप लोगों ने इसको अपने फेस पे जो है स्प्रे कर लेना है, और देन डैब डैब करके जो है अपने फेस पे इसको एब्जॉर्ब होने देना है। आप लोगों ने इसको रिमूव नहीं करना, बस डैब डैब करके छोड़ देना है, ये खुद ब खुद जो है एब्जॉर्ब हो जाए। ये क्या करेगा, आप लोगों के पोर्स को श्रिंक करेगा, ग्लो प्रोवाइड करेगा, और उसके साथ साथ सनस्क्रीन के तौर पर एक्ट करेगा, और जो है फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करेगा, और जो है जिनकी एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है ऑयल को ये कंट्रोल करेगा बहुत अच्छे से। इसको आप जो है 7 डेज तक स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, उसके बाद आप लोग डिस्कार्ड कर दें और न्यू बना लें। फोर्थ स्टेप जो है वो है स्टीमिंग का। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल टैप वाटर आप लोगों ने लेना है और इसको आप लोगों ने स्टोव पे रख देना है, और जैसे इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट होंगे एक अदर टी बैग ऐड कर देना है, और फिर आप लोगों ने 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से बॉयल आने देने हैं, और देन आप लोगों ने स्टोव से इसे रिमूव करके एक अदर टॉवल लेना है और क्या करना है, स्टीम। अच्छा, कुछ लोग जो है ये स्क्रबिंग से पहले स्टीम लेते हैं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूंगी स्पेशली समर्स में, क्योंकि समर्स में क्या होता है स्किन जो ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव हुई होती है, और स्टीमिंग के बाद तो और ज्यादा जो है सेंसिटिव हो जाती है। तो आप लोग ये प्रोसेस जो है स्क्रबिंग के बाद करें, और स्टीम लेने के बाद अपने ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव कर लें। ये आप लोगों ने आफ्टर 2 वीक्स प्रोसेस करना है, वीकली नहीं करना, आफ्टर 2 वीक्स ये प्रोसेस करना है, और सिर्फ 5 मिनट के लिए ये प्रोसेस आप लोगों ने करना है, इससे ज्यादा ये काम नहीं करना। और स्टीम लेने के बाद जो टी बैग होगा ना, ये आप लोगों ने इसके अंदर से अच्छे से स्क्वीज आउट करके निकाल लेना है, ये हम नेक्स्ट प्रोसेस में यूज करेंगे। स्टीम लेने के बाद आप लोगों ने ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव कर लेने, वैसे तो स्क्रबिंग में निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने रिमूव करने हो ना निकले हो तो आप लोग रिमूव कर लीजिएगा। उसके बाद अगेन आप लोगों ने ये टोनर अप्लाई करना है, देन नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप जो है वो है फेस पैक का। तो फेस पैक में आप लोगों ने क्या करना है, जो फोर्थ स्टेप में मतलब स्टीमिंग वाले प्रोसेस में हम लोगों ने एंड में टी बैग रिमूव किया था उसके अंदर से, वो आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है ओपन करके सारे का सारा। और उसके साथ आप लोगों ने हनी ऐड कर देना है 1/2 टीस्पून, और फिर आप लोगों ने योगर्ट ऐड कर देना है 4-5 टेबल स्पून अपने फेस के अकॉर्डिंग। योगर्ट जो है वो रिंकल्स को रिड्यूस करता है, एक्ने को रिड्यूस करता है, उसके अलावा स्किन को मॉइस्चराइज करता है, और ब्लेमिशेस वगैरह को रिड्यूस करता है, स्किन को ब्राइटन अप करता है। उसके साथ आप लोगों ने क्या करना है, 1 टेबल स्पून जो है ऐड कर देनी है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी ऑप्शनल है, अगर आप लोगों की स्किन जो है वो ड्राई है तो आप लोग स्किप कर दें, लेकिन अगर आप लोग को ओपन पोर्स का इशू है और एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है तो आप लोग जो है वो ऐड कर लें इसके अंदर, क्योंकि स्टीम के बाद जो है पोर्स मजीद ओपन हो जाते हैं स्पेशली समर्स में। तो इसको आप लोगों ने 20 मिनट्स के लिए अपने फेस पे अप्लाई करना है, देन सिंपल प्लेन वाटर से वॉश कर देना है। ये आप 2 और 3 वीक अप्लाई कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छे से फ्रीज हो गए थे टी बैग जो हमने फ्रीजर में रखे थे, इनको आप लोगों ने क्या करना है अपनी आईज पे रख लेना है, और थिक फेस जो है वो अपने फेस पे थिक लेयर अप्लाई करनी है इस फेस पैक की, ठीक है।
इस फुल फेशियल के बाद आप लोगों की स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइटन अप, ग्लोई और बेबी सॉफ्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, पसंद आई तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना अपने घर वालों को रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।